स्वागत है आपका हमारे गवर्नमेंट डॉट एग्जाम पर। इस वीडियो में हम मानसिक अभिरुचि टॉपिक 5 अपराध नियंत्रण के बारे में बताएंगे। अपराध नियंत्रण के दो तरीके हो सकते हैं, पहला परंपरागत पुलिस व्यवस्था, दूसरा सामुदायिक पुलिस व्यवस्था। अब हम परंपरागत पुलिस व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। परंपरागत पुलिस व्यवस्था के अंतर्गत बीट पेट्रोलिंग को महत्व देना चाहिए। एक बीट के अंतर्गत चिन्हित क्षेत्र अथवा मार्ग आ जाता है, यहाँ पुलिस की तैनाती तथा उनके भ्रमण के माध्यम से छोटे मोटे अपराधों को रोका जा सके। बीट की स्थापना तथा पुलिस की तैनाती के दौरान क्षेत्र विशेष के आपराधिक गतिविधियों पर ध्यान देना जरूरी है। बीट निर्माण में आबादी वाले क्षेत्र तथा औद्योगिक प्रक्षेत्र का ध्यान रखना भी अनिवार्य है। बीट स्थायी तथा अस्थायी दोनों प्रकार के होते हैं। अब हम सामुदायिक पुलिस व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। सामुदायिक पुलिस व्यवस्था में पुलिस तथा नागरिक दोनों के बीच सामंजस्य की स्थापना कर अपराध नियंत्रण के उपाय किए जा सकते हैं। इसके माध्यम से पुलिस तथा सामुदायिक के बीच समन्वय बनाकर अपराधियों को अपराध करने से पूर्व पकड़ा जा सकता है। सामुदायिक पुलिस व्यवस्था के अंतर्गत नागरिकों को आपराधिक गतिविधियों के नियमों के प्रति जागरूक बनाने के लिए कार्यक्रमों का संचालन किया जा सकता है। कई देशों में नाइबर क्राइम प्रिवेंशन को बढ़ावा दिया जा रहा है। मस्तिष्क अपराध नियंत्रण प्रगति के लिए महत्वपूर्ण है। शांति तथा कानून व्यवस्था की बेहतर व्यवस्था में ही आर्थिक विकास संभव है। पुलिस व्यवस्था को प्रभावी बनाने के साथ सामाजिक समस्याओं को समाप्त करने की ओर ध्यान देना भी जरूरी है। गरीबी तथा बेरोजगारी में कमी के साथ नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देना जरूरी है। इसमें प्रशासन के साथ पुलिस की जिम्मेदारी भी कम नहीं होती। अपराधों पर नियंत्रण के आधुनिक तौर तरीकों को अपनाना जरूरी है। अपराध पर नियंत्रण कानून बनाने या विधि व्यवस्था को कारगर बनाने मात्र से संभव नहीं है। इसके लिए अपराध की जड़ों तक जाना जरूरी है। जान माल की क्षति तथा मानव अधिकार के संरक्षण के लिए अपराधों पर पूरी तरह नियंत्रण अनिवार्य है। व्यक्तिगत अपराध व्यक्तिगत सत्ता तथा अथवा जरूरतों से प्रभावित हो किया जाता है, किंतु संगठित अपराध में कहीं ना कहीं सोची समझी प्रवृत्ति काम करती है। संगठित अपराध एक समय में कई जगह पर तबाही मचाने में समर्थ होता है। व्यक्तिगत अपराध से यदि एक व्यक्ति या कुछ व्यक्ति प्रभावित होते हैं तो संगठित अपराध सार्वजनिक हित को प्रभावित करते हैं। इसलिए अपराध पर नियंत्रण से पूर्व अपराध की प्रवृत्ति को समझना जरूरी है। इसके लिए पुलिस व्यवस्था को प्रभावी बनाने की ओर ध्यान देना अनिवार्य है। व्यक्तिगत अपराध को नियंत्रण परंपरागत तथा सामुदायिक पुलिस व्यवस्था से किया जा सकता है, किंतु संगठित अपराध पर नियंत्रण के लिए पुलिस तंत्र में बदलाव आवश्यक है। अब हम कुछ MCQ क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। अपराध का संबंध मनुष्य को किन प्रवृत्तियों से है? तो ये है असहज प्रवृत्तियों से। किस प्रकार का अपराध हाल के वर्षों में बढ़ा है? तो ये बढ़ा है नशीली पदार्थों की तस्करी से भी, विमानों का अपहरण से भी, आतंकी घटनाओं से आता है ये सभी। भारत में सबसे बड़ी आपराधिक समस्या क्या है? तो ये है आतंकवाद। भारत में हाल के वर्षों में किस प्रकार के अपराधों में वृद्धि हुई है? तो ये हुई है आर्थिक अपराध में, साइबर अपराध में, संगठित अपराध में। तो इसका आंसर है ये सभी। बीट का संबंध है तो ये है स्थानीय सुरक्षा से। बीट होते हैं
तो ये होते हैं स्थाई और स्थाई होते हैं। इसका आंसर है ए और बी दोनों। सामुदायिक पुलिस व्यवस्था का लक्ष्य है तो ये है पुलिस और नागरिक के बीच समन्वय। तो ये था टॉपिक 4 अपराध नियंत्रण के बारे में।